पूर्व में कई सारे महिलाओं को मिला होगा, आगे भी जो छूटे हुए हैं वो धीरे धीरे हर साल कुछ कुछ महिलाओं को ये प्रदाय किया जाता है। पेंशन योजनाएं हैं जो सामाजिक न्याय विभाग, नगरीय निकाय, ग्रामीण निकाय दोनों मिलकर करते हैं, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन इत्यादि योजनाएं हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे और भी कई सारी योजनाएं हैं। समय अभाव के कारण बहुत हर योजनाओं के बारे में विस्तार से अभी यहाँ पे चर्चा किया जाना संभव नहीं है, लेकिन यात्रा का उद्देश्य यही है कि दिन भर ग्राम पंचायत में यात्रा जाए, वहाँ पे विभागों के अधिकारी कर्मचारी रहे, विभिन्न सूचना के जो माध्यम है, जो पोस्टर है, बैनर है, पैम्फलेट है, बाकी जो इस रथ के माध्यम से जो वीडियो संदेश प्रसारित होते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, और अन्य जो उसमें योजनाओं के बारे में जो वीडियो बनाए गए हैं, उनके माध्यम से नागरिक जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा मुख्य उद्देश्य है कि जानकारी प्राप्त करने के पश्चात जब नागरिकों को यह समझ में आए, या पूर्व की जानकारी के आधार पर यह समझ में आए कि शासन की इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं जो उनके लाभ के लिए ही चलाई जा रही है, अगर उन्हें तक लाभ नहीं पहुंच पाया हो किसी कारणवश, तो वो अपना नाम बताएं, आवेदन दें। शासकीय अधिकारी कर्मचारी भी ऐसे लोगों को चिन्हित करने में कोशिश करें हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में, और ऐसे छूटे हुए लोगों को इन योजनाओं का लाभ देने के लिए कार्रवाई किया जा सके, समय सीमा में चिन्हांकन भी हो और उन तक योजनाओं के लाभ पहुंचे। जिन भी योजनाओं के आप बैनर पोस्टर देख रहे हैं या जिन योजनाओं के बारे में भी हमने चर्चा किया या अन्य माध्यमों से आप जान के प्राप्त करते हैं, कर रहे हैं, कई सारे ऐसे नागरिक हैं जो इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर चुके हैं और उनको लगातार लाभ मिल भी रहा है, लेकिन अभी भी कई ऐसे नागरिक होंगे जो जानकारी के अभाव में या अन्य कारणों से हो सकता है कि पात्र होने के बाद भी उन योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे शिविर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि ऐसे छूटे हुए नागरिकों को चिन्हांकित किया जाए और तक लाभान्वित किया जाए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के ये दो अति महत्वपूर्ण घटक हैं। अन्य जो घटक हैं उसके अतिरिक्त सर्वाधिक जो महत्व दिया गया है इन दो घटकों पे दिया गया है, और बड़ी संख्या में जो यहाँ पे नागरिक अनुपस्थित हैं, तो इसे यह भी पता चलता है कि वो इन योजनाओं को जानने समझने में और जो छूटे हुए लोग हैं वो अपनी बात रखने में उत्सुक हैं, और आपके माध्यम से ये पूरे गांव तक ये बात जाएगी, प्रत्येक नागरिक इसके बारे में जागरूक हो पाएंगे, और आप सभी के इस जागरूक प्रयत्नों से शासकीय विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी, पंचायत स्तरीय हों या खंड स्तरीय हों या जिला स्तरीय हैं, उनके द्वारा जो चिन्हांकन किया जाएगा और पात्रता का परीक्षण करते हुए जो कार्रवाइयाँ की जाएगी, और इसी प्रकार सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय विधायक महोदय एवं अन्य सभी सम्माननीय लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनके माध्यम से भी योजनाओं के बारे में जानकारियाँ तो मिलती ही हैं, छूटे हुए लोगों के चिन्हांकन भी संभव हो पाता है। तो इस तरह के मिले जुले प्रयत्नों से जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के ये दोनों महत्वपूर्ण घटक हैं, इसके बारे में प्रभावी कार्रवाई निश्चित रूप से हो पाएगी और लोगों तक, नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और छूटे हुए लोगों तक उनके लाभ दोनों समय सीमा में निश्चित रूप से पहुंच पाएगा। मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इस ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच महोदय को भी बधाई देना चाहता हूँ जिला प्रशासन की तरफ से। स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था है भारत वर्ष में लागू होने के बाद और राज्य में, प्रदेश में लागू होने के बाद, ग्राम पंचायतें विकास का जो पूरा व्यवस्था है, पूरी स्कीम है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण इकाई के रूप में उभरी है, सबसे सशक्त इकाई के रूप में उभरी है। नागरिकों के कल्याण की जो भी अधिकांश योजनाएं हैं, आप देखेंगे कि इन सभी के क्रियान्वयन हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यालय, एक महत्वपूर्ण इकाई जो है वो ग्राम पंचायत है।
और ग्राम पंचायत में सरपंच और सचिव, इन दोनों की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि विजयपुर ग्राम पंचायत के नव निर्वाचित सरपंच महोदय के नेतृत्व में उनकी अध्यक्षता में ग्राम पंचायत यहाँ केवल पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से संचालित होने वाली योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को लाभ दिला पाएंगे, बल्कि ग्राम पंचायत में उनकी भूमिका अन्य विभागों के माध्यम से होने वाले जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन और उसके अनुसरण करने की भी रहती है। वो अन्य विभागों के माध्यम से जनता तक जो लाभ पहुंच पा रहे हैं वो समय से पहुंचे, इसकी भी निगरानी करने की व्यवस्था कर पाएंगे। और अगर ऐसा वो कर पाते हैं तो निश्चित रूप से ग्राम पंचायत कार्यालय विजयपुर का और विजयपुर के नागरिकों के लिए एक बेहतर और विकास मुख्य कार्यालय के रूप में चिन्हित हो पाएगा, जिससे कि अन्य ग्राम पंचायतें भी प्रेरणा प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं पूरे ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय और उनके साथ निर्वाचित हुए अन्य सभी उप सरपंच और अन्य सभी माननीय ग्राम पंचायत के सदस्यगण पंचगण को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से ग्राम पंचायत के कार्यों से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लक्ष्य पूरे होंगे और विजयपुर के सभी नागरिकगण योजनाओं के लाभ प्राप्त कर पाएंगे। वो एक समर्थ जागरूक सशक्त नागरिक के रूप में आगे आ पाएंगे और इस प्रकार निश्चित रूप से एक विकसित और सशक्त समाज और देश के निर्माण में अपनी अपने योगदान को निभा पाएंगे। मैं पुनः आप सभी सम्मानित नागरिकगणों को, सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधिगणों को, सभी विभागों के उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों को, मीडिया के बंधुगणों को आज के इस बेहतर कार्यक्रम के आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।